हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अबरार हजारी और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल अमेजिंग हजारी पर। आज हम बात करने वाले हैं बालवीर के टीजर के बारे में, बालवीर का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। मैं आपको पहले दो वीडियोस दे चुका हूं, दो या तीन वीडियो, यहाँ से आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको जो बालवीर के पहले आए थे अपडेट उसके बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ, उसमें आपको मैं बताया हूँ। अभी हम बात करने वाले हैं जो नया अपडेट आया है, एक ऑफिशियल टीजर आ गया है उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले अपना मुक्का बांधिए और मारिए इस लाल बटन पर, इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल की जो वीडियोस आती है उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को मारे थप्पड़ और ये ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों मंडे रात 8:30 बजे को ये इंस्टाग्राम पे इसका टीजर लॉन्च हुआ था और इसमें डेट रिवील नहीं किया है, इसमें फेस रिवील किया है, जो मतलब कि देव जोशी बालवीर प्ले कर रहे हैं और तिमनासा है इसमें, उसका भी फेस रिवील किया गया। इसमें एक करेक्टर है अक्रूर का, जो मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो बगीरा जैसा दिखता है। और इसमें एक नया करेक्टर हमें दिखाया गया शौर्य का, शौर्य एक लॉयन है, शेर है, जो पॉजिटिव करेक्टर में है। यहीं पे अक्रूर नेगेटिव करेक्टर में है और शौर्य पॉजिटिव करेक्टर में है। टीजर स्टार्ट होता है तो मतलब तिमनासा आती है और वो अक्रूर को बुलाती है कि धरती का तबाही का टाइम आ गया है। उसके बाद अक्रूर बोलता है कि अब तो बालवीर को आना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर शौर्य को दिखाया जाता है, शौर्य बालवीर को बुलाता है और बालवीर आता भी है और उसमें एक अलग सा सस्पेंस है। तो शौर्य मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि शौर्य शेर है और बालवीर आता है नए गेटअप में, पावर्स नए हैं, उड़ने वाला स्टाइल नया है और जो दिखाया गया वो पता नहीं परीलोक है या कुछ और है, क्योंकि परीलोक में परियां होती है, यहाँ पर शौर्य है, पता नहीं ये क्या है, लेकिन परीलोक जैसा ही हमें दिखाया गया है, ये परीलोक जैसा है। बालवीर की लैंडिंग वगैरह इतनी खास नहीं दिखाई गई है, लेकिन कॉस्ट्यूम जो है वो बहुत ही अच्छा दिखाया गया है और बालवीर आता है। शौर्य बोलता है हमें जरूरत है तुम्हारी, तो बालवीर बोलता है हाँ हमें जरूरत है एक और बालवीर की। तो अब ये दूसरा बालवीर कौन होगा सीरियल में ये किसी को नहीं पता है, ये एक सस्पेंस है। फिर उसका इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन इंट्रोडक्शन में उसका फेस नहीं दिखाता है, सिर्फ सूट दिखाया जाता है, जो बालवीर का सूट बालवीर पहना हुआ है वही सूट दिखाया जाता है कि दूसरा बालवीर के लिए ये सूट है, लेकिन दूसरा बालवीर कौन है ये किसी को नहीं पता। बाकी आपको क्या लगता है कि बालवीर कौन होगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जहां तक मुझे लगता है कि दूसरा बालवीर कौन होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये कोई छोटा बच्चा होगा। छोटा बच्चा से मेरा मतलब है कि 2012 में देव जोशी जैसा था, मतलब यही कोई 12 साल या 13 साल का इतना छोटा बच्चा होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये बच्चों का शो है, बालवीर बच्चों का शो है। हम जब छोटे थे तो अच्छा लगता था, हम तभी से देख रहे हैं इसलिए अभी भी हमें अच्छा लगता है शो, और क्योंकि हम इससे शुरू से स्टार्ट से जुड़े हुए हैं। और हमें मार्बल की मूवीज पसंद आती है तो ये भी हमें पसंद आती है, क्योंकि हम जादुई चीज़ों से जुड़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब बच्चों का शो है तो इसमें बच्चा होना ज़रूरी है, बच्चा होगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा शो में और वो ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब हो सकती है, शो फिर चल सकता है। जैसे पहले वाला शो काफ़ी अच्छा चला, बहुत सारी सीरियल्स आई गई लेकिन वो बहुत दिन चला, 1111 एपिसोड तक चल गया, तो बहुत बड़ी बात है कि जो 4 साल शो चल गया। अब इस बार भी उनका तो यही प्लान होगा कि ये अच्छा चले। और मुझे यहाँ तक लगता है कि बालवीर 2 किस लिए आया, बालवीर 2 इसलिए आया होगा, जहाँ तक 2018 का सर्च लिस्ट आया, जो गूगल का सर्च लिस्ट है 2018, तो टॉप 5 में बालवीर था। 2018 में सबसे ज्यादा सर्च करे जाने वाला कीवर्ड है बालवीर, जो कि गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च की गई टॉप 5 में आया था। कोई भी मेकर जब ये देखेगा कि बालवीर बंद होने के 2 साल बाद, बालवीर 2016 में बंद हो गया और 2018 में टॉप 5 सर्च लिस्ट में बालवीर आ रहा है, तो शायद इन्होंने फिर से प्लान किया कि हमें बालवीर वापस लाना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे फैन कमेंट कर रहे थे सब टीवी के ऑफिशियल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कि बालवीर 2 आना चाहिए। बिकॉज मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं भी सब टीवी के ऑफिस में कॉल करके 2 बार पूछ चुका था कि बालवीर आएगा या नहीं आएगा, तो तब तो जवाब नहीं मिला था, लेकिन बालवीर आ गया और इसके साथ टीजर भी आया जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया। टीजर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और आप बताइए कि इसमें क्या होने वाला है, बालवीर कौन प्ले करेगा, जैसे मैंने आपको बता दिया जो मुझे लगता था। और आगे एक दूसरा बालवीर किस लिए मंगाया जा रहा है, इसमें सीरियल में दूसरा बालवीर क्यों होगा। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा बालवीर इसलिए होगा
क्योंकि जो देव जोशी बालवीर का कैरेक्टर कर रहे हैं वो आगे जाकर ये शायद कैरेक्टर ना करें, या फिर उनका कोई दूसरा काम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बालवीर जब छोटा रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, बड़ा बालवीर शायद इतना अच्छा ना लगे नए लोगों को, जो नए लोग जुड़ेंगे उनको शायद इतना अच्छा ना लगे। तो जब हम पिछले बालवीर में, बालवीर वाले पहले वाले सीरियल में हमने नटखट परी का देखा था सीन, कि नटखट परी को तीर लगता है और वो साइड हो जाती है सीरियल से, और फिर उसका लगभग लास्ट में कुछ एपिसोड के लिए एंट्री होता है, लेकिन वो कैरेक्टर दूसरा होता है, वो कोमा में चली जाती है, हमें वो दिखाया गया है। तो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद जब बालवीर आएगा उसके कुछ महीनों बाद बड़े बालवीर के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बड़ा बालवीर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पहले से है इसलिए मैं बड़ा बालवीर बोल रहा हूँ, हो सकता है कि ऐसा ही कुछ घटना बालवीर के साथ हो और वो किसी हादसे में हो जाए, जैसे कि वो हो सकता है कोमा में चले जाए, या हो सकता है उनका अंत ही दिखा दे, कुछ भी हो सकता है, जैसे डायरेक्टर कुछ भी दिखा सकते हैं उस हिसाब से, जैसा टीआरपी आएगा वो उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। तो हो सकता है वो दिखा दे और छोटा बालवीर उसके जगह ले ले। अब ये छोटा बालवीर तब तक, मतलब कि ये बड़ा बालवीर को तब तक नहीं हटाएंगे जब तक छोटा बालवीर ऑडियंस के दिल को ना जीत ले, जब तक सब ऑडियंस को छोटा बालवीर पसंद नहीं आएगा तब तक बड़ा बालवीर तो रहेगा, ये तो मेरी गारंटी है कि शो में तब तक बड़ा बालवीर रहेगा ही। और दूसरे कैरेक्टर की बात रही, जैसे कि मानव महर और रोकी चाचू और बाकी जो दूसरे सारे कैरेक्टर हैं, केवल रोहित, ये लोग रहेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, बाकी अनुष्का और रुद्रा ने भी कोई भी मतलब अपडेट नहीं दिया है। बाकी बात रही बालवीर की टाइमिंग की, ये किस टाइम पे आएगा, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि ये किस टाइम पे आएगा। बालवीर जो सब टीवी पे आने वाला है, तो सब टीवी पे अभी 6 या 7 शो चल रहे हैं, उसमें जिसकी टीआरपी कम होगी उसके जगह पे ये आ जाएगा शायद। अभी जो 8 बजे का शो है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा वो उसी को रिप्लेस करने वाली है। 8 बजे जो शो आता है तो बालवीर का पहले का टाइम 8 बजे का था, हो सकता है ये 8 बजे ही आए, या फिर अलादीन के वक्त पे आए। जैसे अलादीन मैं देखता हूँ तो अलादीन ऐसा लग रहा है कि जैसे अब अलादीन खत्म होने वाला है उसका सीरीज, जैसे उनके एपिसोड खींचा जा रहा है। हमने जब स्टार्ट किया था अलादीन देखना तो वो एक जो हम किताबों में पढ़ते थे वो कहानी थी, लेकिन अभी जो हम अलादीन देखते हैं तो उसमें कहानी वो नहीं है, वो एक जबरदस्ती कहानी खींची जा रही है। आप भी अगर अलादीन देखते होंगे तो आपको पता होगा कि वो कहानी है ही नहीं, अलादीन का इतना लंबा स्टोरी कुछ है नहीं, और अगर है भी तो उनको कोई स्पेशल किताब नहीं मिल गया राइटर्स को जो उन्होंने इतना खींच दिया, तो इसको स्पेशली खींचा जा रहा है कि चलो जब तक टीआरपी आ रहा है चलते जा रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते का टीआरपी इतना अच्छा नहीं रहा है अलादीन का। अब जिस भी शो का टीआरपी थोड़ा भी नीचे गिरेगा बालवीर उसकी जगह ले लेगा, और हमें बालवीर के लिए कितना इंतजार करना पड़ सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम 1 महीना हमें और इंतजार करना पड़ेगा बालवीर का। अभी प्रोमो आएगा, दूसरा प्रोमो आएगा, ट्रेलर आएगा, फिर डेट रिलीज होगा कि कब आने वाला है, फिर उस हिसाब से चलते चलते 1 महीना हमें लग सकता है कि 1 महीने बाद ही हमें टीवी पे बालवीर का पहला एपिसोड देखने को मिले। स्टोरी की बात करें तो मुझे बालवीर का स्टोरी का भी कोई अंदाजा नहीं है कि स्टोरी क्या होने वाली है, इसलिए मैं पहले से बात करके किसी का मजा खराब करने वाला नहीं हूं, ना ही मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो स्टोरी के बारे में अभी मैं बात नहीं करने वाला हूं, बाकी जो कैरेक्टर को देख के लगता है तो ये कुछ दूसरा ही अलग स्टोरी होने वाला है, और मुझे नहीं लगता है कि ये स्टार्ट की स्टोरी है, स्टार्ट की स्टोरी कुछ और ही होगी जहां तक मुझे लगता है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है स्टोरी किस पर बेस होगी, और स्पेशली ये जरूर बताएं कि छोटा बालवीर कौन होने वाला है, क्योंकि इससे कोई पता नहीं अभी कौन होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, आने वाले दूसरे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।